मॉर्निंग दोस्तों, आई नो इंग्लिश का पेपर आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब सबसे बड़ी चिंता दोस्तों, अकाउंट्स की टेंशन। बहुत स्टूडेंट्स ने पहले ही मुझे बोल दिया था, सर बस इतना बता दो, हमारे पास 4 डेज हैं, इंक्लूडिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 दिन हैं। 4 डेज के अंदर सर हम कैसे प्रिपरेशन करें अकाउंट्स की? बिकॉज बच्चों को यही नहीं पता रहता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड तो बेटा बात की बात है। कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी मनाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, बेटे एक दिन तो पूरा वो वेस्ट ही कर देते हैं सेकंड। तो हमें दोस्तों बहुत स्ट्रेटजी से काम करना है अकाउंट्स के पेपर के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करो। तो दोस्तों फर्स्ट टिप, जो 2nd of March है, आज का डे, आप इंग्लिश का पेपर देख के आओगे दोस्तों, रेस्ट करो, और आज के डे एट द एंड आपने अपनी पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों खत्म करनी है। 20 मार्क्स आपके खत्म हो जाने चाहिए आज के दिन में। आज का दिन दोस्तों वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटे, खुशियां बाद में मना लेना, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि बाद में अकाउंट्स हैवी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो स्टूडेंट्स ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट करी है तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 20 नंबर आज खत्म करके सोएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 3rd of March, नेक्स्ट डे। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पार्टनरशिप की बुक ज्यादा स्ट्रांग है या आपको कंपनी अकाउंट्स की बुक ज्यादा इजी या स्ट्रांग लगती है। जो बुक आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो पहले आपने उसे खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, और अगर पार्टनरशिप आप कंफर्टेबल हो तो 3rd of March को, इट मीन्स सेकेंड डे आपने पूरी की पूरी पार्टनरशिप का रिविजन करना है। थर्ड डे अब जो बचा आपके पास कंपनी अकाउंट्स एनपीओ के साथ, आपने वो फिनिश करना है। दोस्तों इसके बीच में रिवीजन भी कैसे करना है, नए नए क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करने मत बैठ जाना। दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, हमने इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना लिंक शेयर करूंगा, लिंक के अंदर मैंने प्रीवियस सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम पूरे के पूरे लिंक में आपको मैं आप शेयर करूंगा। आप उसको क्या करना है, घर जाके डाउनलोड कर लेना अपने आप। बेटे क्वेश्चन पेपर आपने वो सॉल्व करना है, रीजन उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास होने चाहिए, आपने बस आंसर देखना है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन मत उठा लेना जिसके आपके पास सॉल्यूशंस ना हो, बिकॉज फिर आपके दिमाग में क्वेश्चंस रेज होने लग जाएंगे, इवन कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन होगा। तो बेटर ये है कि आपके पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए और उनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। उन्हीं लिंक के अंदर हम आपको पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने वो भी उसमें डाल दिए हैं, आप उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसी के थ्रू हम क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं आपको। तो रिवीजन करने का तरीका बता दिया आपको, इलस्ट्रेशंस पे फोकस करना, इन शॉर्ट बेटा जिसका सॉल्यूशन है उस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस नहीं उठाने आपने। तो मैं एक बार रिवाइज कराया था फटाफट बेटे, 2nd of March को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म, 3rd March को आइदर पार्टनरशिप पूरी खत्म या आपकी कंपनी अकाउंट्स, और 4th March को जो आपका बचा हुआ है, अगर पार्टनरशिप बची है तो पार्टनरशिप, कंपनी है तो कंपनी। अब 5th March को आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने हैं, जो लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के अंदर, आप उसको देखना, क्वेश्चंस देखना, कुछ दोस्तों एक्स्ट्रा नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है किस तरह से आपने बेटा पढ़ाई करनी है, बेटा बेस्ट यूटिलाइज करना, और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4th of March को इवनिंग में आपके साथ लाइव आऊं यूट्यूब पे, जिससे आप अपने घर बैठे बैठे मेरे से क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो और मैं उनके आपको सॉल्यूशंस दूंगा। तो ये जो आपको लाइव क्लास का है, ये मैं टाइमिंग आपको कंफर्म कर दूंगा कि सर 4th March को हम किस टाइम लाइव आएंगे आपके साथ। टिल देन दोस्तों बेस्ट करना, अपना प्रिपरेशन अच्छी करना दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम ऐसे निकलेगा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। टिल देन गुड बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट्स हो वीडियोस देखो, कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स करो, डेफिनेटली क्लासेस के बाद रात को फ्री होऊंगा, आपके सॉल्यूशंस जरूर दूंगा, जो जो यूट्यूब में हमारे कमेंट सेक्शंस में आ रखे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।